रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई बहन के लिए ये बेहद पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उसकी तरक्की और उन्नति की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी बहन की सुरक्षा करने का संकल्प लेता है, जिसके चलते गुड़गांव में हजारों बहनों ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा को राखी बांधी है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रक्षाबंधन के इस मौके पर नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही है और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा को हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची, राखी बांधी और राखी की शुभकामनाएं दी। हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, जैसे मैंने प्रण लिया है, ऐसे प्रत्येक देश के युवा को प्रण लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में शक्ति के रूप में जो हमारी बहनें हैं, जिनकी आबादी 50% है, और जो मोदी जी कहते हैं महिला युवा गरीब और किसान के, उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? 70% आबादी वाला देश, ये युवा देश, इस देश के युवा उठाएंगे। और जिस वक्त बहन अपने भाई की राखी पे जब कलाई बांधती है तो कितनी पवित्र आत्मा वो होती है भाई की और बहन की, इसी तरह से देश के युवाओं को उनकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए कि जो बहनें, मेरी बहन है तो मेरी बहन है, दूसरे की बहन भी मेरी बहन है, ये आज के दिन प्रण लेकर के बहनों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। मेरी किसी भी बहन को किसी प्रकार की भी कोई संकट का अगर सामना करना पड़ा तो वो संकट पहले GL शर्मा से होके गुजरेगा। मैंने यही संकल्प लिया है कि मैंने GL शर्मा जी को राखी बांधी और मैं इनका साथ दूंगी हर तरह। मैं GL शर्मा जी के लिए करूंगी, ये स्वस्थ रहें और आगे जिंदगी में ये तरक्की करें और भगवान इनको जो ये चाहते हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो। देखिए, आज तो रक्षाबंधन है, सौभाग्य है कि इलेक्शन के टाइम पर रक्षाबंधन आया, नहीं तो GL शर्मा आज से 40 साल पहले से हम बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये नहीं कि ये पद पे थे या नहीं थे या ये पार्टी में थे BJP में, इन्होंने सदा महिलाओं की मदद करी है निस्वार्थ, बिना पैसे के, और कभी भी महिलाओं को जरूरत पड़ी है तो GL शर्मा सबसे आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा तो पीछे मेरे पियर से भी गांव का रिश्ता है इनसे, तो मैं अपने भाई के साथ चाहती हूँ कि आज के दिन जो गुड़गांव में पैसे की खनक और जो कहते हैं हम कार्यकर्ता BJP को, मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसे आदमी को, GL शर्मा जैसे आदमी को BJP आशीर्वाद दे तो कम से कम भी 75-80% महिलाएं GL शर्मा के साथ जुड़ेंगी।